नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के हर गरीब के सिर पर होगा छत। अब बिहार की यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे रत्नों से बीमारी ठीक करने के गुर। बढ़ती संख्या को देखते हुए महिला दरोगा को थाने में किया जाएगा पदस्थापित। अब इन दो जिलों को चमकाएगी बिहार सरकार। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के हर गरीब के सिर पर होगा छत। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। इसी क्रम में अरविंद सिंह ने कहा कि मोदी सरकार बिहार में करीब 11,500 जरूरतमंदों को घर बनाने जा रहे हैं। इसे बिहार में हर गरीब के सिर पर उनका अपना छत भी होगा। साथ ही बिहार में महिलाओं को भी पूरा हक मिला है। उन्होंने कहा कि इन विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि बहुत जल्द ही बिहार सरकार को केंद्र के द्वारा सुपुर्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार विकास के साथ साथ प्रकृति की भी चिंता करती है। गंगा पर बन रहे पुल के किनारों पर 10 एकड़ में पेड़ लगाए जाएंगे। गंगा पथ और शहर के बीच की 10 एकड़ भूमि में ग्रीन बेल्ट बनेगा, जो क्लीन पटना ग्रीन पटना के अभियान को दिया मूर्त रूप जाएगा। अब बिहार के यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे रत्नों से बीमारी ठीक करने के गुर। राज्य में पहली बार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी PGDMA विषय की पढ़ाई होने वाली है। लोगों की बीमारी को अब रत्नों के उपयोग से ठीक करने के गुर को सिखाया जाएगा। बिहार में रत्नों के माध्यम से बीमारी के इलाज की पढ़ाई होगी। इस नए कोर्स को शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विभिन्न नए विषयों में पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत योग, आयुर्वेदिक, फार्मेसी और मेडिसिनल प्लांट्स के कोर्स भी शुरू होंगे। जानकारी के मुताबिक झारखंड, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होती है। बिहार के 14 नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन के प्रारूप का हुआ प्रकाशन। प्रदेश के 14 नगर निकायों में वार्ड परिसीमन का प्रारूप शनिवार यानी आज 11 जून को प्रकाशित किया गया है। प्रकाशन के बाद संबंधित नगर निकाय के नागरिक परिसीमन में हुई त्रुटियों पर दावा आपत्ति कर सकेंगे। जिन नगर निकायों के परिसीमन का प्रारूप प्रकाशन हो रहा है उनमें 8 नगर परिषद और 6 नगर पंचायत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 153 नगर निकायों के वार्ड गठन का काम 30 मई तक पूरा कर लिया है। 75 यथास्थिति वाले नगर निकायों को सम्मिलित करते हुए कुल 228 नगर निकायों की मतदाता सूची के निर्माण कार्य सम्पन्न किए जा रहे हैं। बढ़ती संख्या को देखते हुए महिला दरोगा को थाने में किया जाएगा पदस्थापित। महिला दरोगा की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखते हुए ADG JS गंगवार ने बताया कि अब उन्हें थाने में भी पदस्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में DGP SK सिंघल ने अपराध नियंत्रण को लेकर चल रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने छापेमारी अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि थानावार अपराध का विश्लेषण और उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इस बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुभानी सहित कई अपर अधिकारी मौजूद रहे। अब इन दो जिलों को चमकाएगी बिहार सरकार। बिहार में अभी कई ऐसे स्थल हैं जो कि पिछले कई सालों से पूरी तरह से परिवर्तित हो गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है बिहार के राजगीर का, जो कि पर्यटन के लिहाज से काफी लोकप्रिय है, जहां हजारों लोगों को रोजगार का जरिया मिला है। इसी क्रम में बिहार सरकार अब भागलपुर और बांका जिले को चमकाने जा रही है। दरअसल बिहार सरकार के उद्योग विभाग की तरफ से इन दोनों जिलों के DM को जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। ये जमीन आबादी से दूर होगी और उद्योगों की जरूरत को देखते हुए चिन्हित की जाएगी। जब जिलों में उद्योग लगेंगे तो रोजगार के बंपर अवसर भी खुलेंगे। विष्णुपद मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। हिंदू समुदाय में पूरे वर्ष सभी 24 एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बीते दिन निर्जला एकादशी व्रत पर गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने यहां आकर अपने भगवान श्री विष्णु, चरण माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और उपासना कर परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। मिली जानकारी के अनुसार श्री विष्णुपद मंदिर में निर्जला एकादशी पर 50,000 से अधिक श्रद्धालु विष्णुपद मंदिर पहुंचकर भगवान श्री विष्णु चरण की पूजा अर्चना करते देखे गए। इस मौके पर सुरक्षाकर्मी भी यहां पर तैनात रहे। 32 जिलों में बारिश तो 6 जिलों में उमस भरी गर्मी से परेशान रहेंगे लोग। बिहार के 32 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली को लेकर अलर्ट जारी है, तो वहीं बिहार के ऐसे 6 जिले बच जाते हैं जहां हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया है, जिसमें राजधानी पटना सबसे टॉप पर है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के 6 को छोड़कर 32 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना की बात करें तो पटना के साथ ही जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल का तापमान 42 से 44 डिग्री के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। वहीं प्रदेश में 24 घंटे के दौरान मधुबनी, सुपौल, कटिहार, अररिया, किशनगंज आदि जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम स्तर की बारिश होगी। लालू यादव के जन्मदिन को सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में मना रही राजद।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज 75 साल के हो गए। राजद सुप्रीमो आज 11 जून को अपना 75वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। हर जिले में राजद कार्यकर्ता राजद मुखिया के जन्मदिन को खास तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लालू यादव की पार्टी अपने नेता के 75वें जन्मदिन को सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मना रही है। वहीं पिता लालू यादव के जन्मदिन को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि गरीबों के संबल सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे प्रबल स्तंभ और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के 75वें जन्मदिवस को राजद सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मना रहा है। अपने जन्मदिन के मौके पर सालों बाद लालू प्रसाद यादव पटना में अपने परिवार के साथ मौजूद है। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री की दो टूक। बिहार में शराबबंदी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से सख्त है। प्रतिबंध के बावजूद धंधे में संलिप्त पाए जाने पर छूट की कोई गुंजाइश नहीं है। इस क्रम में एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों को याद दिलाया है कि बिहार में शराबबंदी लागू है और रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करे कि सभी थानों में लैंडलाइन फोन चालू रहे, साथ ही रात्रि गश्ती और पैदल गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। इसको सुदृढ़ करने के लिए वरीय पुलिस पदाधिकारी गश्ती का औचक निरीक्षण करे। साथ ही सीएम नीतीश ने शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। दो टूक में सीएम ने कहा कि किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, शराब पीते मिले तो छोड़े नहीं। बिहार के कई जेलों में की गई छापेमारी। महीने बाद आज एक बार फिर से बिहार के कई जेलों में छापेमारी की गई। कहीं डीएम तो कहीं एसडीएम ने छापेमारी को लीड किया। हालांकि अभी तक किसी भी जेल से आपत्तिजनक बरामदगी की सूचना नहीं मिली थी, लेकिन कार्रवाई के समय सभी जेलों में हड़कंप जरूर मच गया। मंडल कारा में डीएम आलोक रंजन घोष और एसपी अमितेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी और अधिकारियों की टीम ने शनिवार की सुबह छापेमारी की। यहां लगभग 2 घंटे तक चली छापेमारी देखने को मिली। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से ये पता चलता है कि कोरोना के मामले देश भर में तेजी से बढ़े हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 8,329 नए मामले सामने आए हैं और 10 लोगों की जान गई है। वहीं बिहार में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 77 है। वहीं राज्य में 72,607 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में 10 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जिसमें राजधानी पटना में सबसे अधिक 4 मामलों की पुष्टि हुई। वहीं गोपालगंज, जमुई, कटिहार, नालंदा, सीतामढ़ी और सुपौल में 1-1 कोरोना के मामले की पुष्टि हुई है। सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। पैगंबर पर विवादित जुलूस की टिप्पणी को लेकर बिहार सहित कई राज्यों में हिंसा को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने किसी भी कीमत पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं खासकर सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए रखने को कहा गया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि विवादित पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों पर फौरन कार्रवाई की जाए। संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी रखने को भी कहा गया है। बता दें कि शुक्रवार को कई जिलों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दंगा भड़काया था। ऐसे में ये मामला खतरनाक भी साबित हो सकता है। ईडी के विरोध में 13 जून को प्रदर्शन करेंगे बिहार कांग्रेस कार्यकर्ता। मालूम हो कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आने वाले 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से बुलाया गया है। अब इसके विरोध में यानी ईडी के विरोध में बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता इनकम टैक्स गोलंबर पर उनके समर्थन में जुटेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा कि हम सभी बिहार के कांग्रेस जन अपने नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रही सत्ता पक्ष की साजिश के खिलाफ अपनी ताकत को दिखाते हुए 13 जून को सुबह 9:30 बजे इनकम टैक्स गोलंबर पर एकत्रित होंगे। पटना में एकत्रित होकर तब तक विरोध प्रदर्शन में सभी कांग्रेस जन भाग लेंगे जब तक हमारे नेता राहुल गांधी ईडी कार्यालय में ससम्मान बाहर नहीं निकल जाते। पथ निर्माण मंत्री ने मुश्किल से बचाई जान। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बीते दिन रांची में हुए हिंसा के बाद बुरी तरीके से फंस गए थे। उन्मादी भीड़ ने उन्हें भी घेर लिया था और उन पर हमला भी किया। हजारों की भीड़ ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, ईंट पत्थर फेंके, जिससे कार के शीशे टूट गए। ऐसे में किसी तरह पथ निर्माण मंत्री ने अपनी जान बचाई। अब नितिन नवीन ने रांची में खुद के साथ हुई घटना को लेकर पूरी कहानी बयां की है। दरअसल ये दंगा मुस्लिम समुदाय ने नुपुर शर्मा के बयान पर भड़काया था, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिला था। नितिन नवीन ने बताया कि वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए रांची गए हुए थे, जहां जाने के दौरान मेन रोड पर हिंसा भड़क गई। इस दौरान भीड़ ने गाड़ी पर हमला शुरू कर दिया। अपने रिटायरमेंट एनिवर्सरी पर युवराज सिंह ने शेयर किया इमोशनल वीडियो। युवराज सिंह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए 3 साल बीत चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने एक स्पेशल वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। युवराज ने 10 जून 2019 को क्रिकेट से संन्यास लिया था। इस वीडियो में उनके फैंस और फैमिली मेंबर्स ने युवराज के करियर और रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ के बारे में बात की है। युवराज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कहा कि मुझे संन्यास लिए हुए आज 3 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब आपका मेरे लिए प्यार बढ़ता ही गया। मुझे हर एक कदम पर सपोर्ट करने के लिए मेरे दोस्तों, फैमिली मेंबर्स और फैंस को काफी शुक्रिया। मैं ये एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आपका प्यार मेरे लिए बहुमूल्य है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया, उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, हिरलाल, ज्ञानी कुमार, रवि दीवाना, नीतीश कुमार, मोहम्मद नौशाद, विजयकांत, दयाल शरण बख्शी, कुलदीप कुमार, रोशन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार रोजगार के दृष्टिकोण से बिहार का कौन सा जिला विकसित है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।